और एक साल भी बहुत जल्द ही गुजर जाएगा अगर हम लोग इसी तरह हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो अब समय आ गया है कि घर से निकलिए और बाहर आइए और शंखनाद कीजिए, विद्रोह कीजिए, क्रांतिकारी कीजिए और ऐसा तमाचा मारिए सरकार को, अपनी आवाज इतना बुलंद कीजिए कि पूरा यहाँ से आप आवाज लगाइए और रांची का विधानसभा गूंज जाए। हम से कहना चाहते हैं कि आज से जब भी आप घर जाइए, जिनको भी आप जोड़ना चाहते हैं, माता बहनों भाई बंधुओं को, तो उनसे बोलिए कि हम लोग का मोटो है अधिकार दिलाना, झारखंडियों को अधिकार दिलाना। हम लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, हम लड़ रहे हैं आपके अधिकार के लिए, हम लड़ रहे हैं आपके समय दो हम आपको अधिकार देंगे। झारखंडी अधिकार, कैसा अधिकार? 1932 का अधिकार, कैसा अधिकार? आपके वन खनिज संपदा पे आपके अधिकार को हम भाइयों को मजबूत कीजिए, अपने झारखंडी हथियारधारियों को एकजुट कीजिए और एक बिगुल बजाइए। हर प्रखंड हर जिले में अब एक जोरदार आंदोलन होगा, इसकी एक अगला बैठक में सुनिश्चित करने का हम अपना अधिकार कैसे पाना है। और अधिकार पाने के लिए आपको सरकार से लड़ना होगा, क्योंकि अभी अधिकार आप खुद नहीं ले सकते हैं, अधिकार आपको अभी सरकार से ही मांगना होगा, क्योंकि अभी सरकार आपके पास नहीं है, जब बन जाएगी तो देखा जाएगा। तो अभी हम लोग को सरकार को बहुत जोरदार तरीके से घेरना है और बहुत जल्दी घेरना है, क्योंकि सरकार एक से एक नियम बनाते जा रही है। जब सरकार आई थी तो कोई घोषणा करके आई थी कि 1932 लाएंगे, उसका पहला मोटो था, उसके बाद 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन दिया क्या? उसका एक नियोजन नीति बनाते बनाते 4 साल गुजार दिया और एक साल भी बहुत जल्द ही गुजर जाएगा अगर हम लोग इसी तरह हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहेंगे तो अब समय आ गया है कि घर से निकलिए और बाहर आइए और शंखनाद कीजिए, विद्रोह कीजिए, क्रांतिकारी कीजिए और ऐसा तमाचा मारिए सरकार को, अपनी आवाज इतना बुलंद कीजिए कि पूरा यहां से आप आवाज लगाइए और रांची का विधानसभा गूंज जाए। और वो तभी होगा जब घर घर से निकलिएगा। अरे बोलता 1932 लागू नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं लागू हो पाएगा? राज्य का अधिकार नहीं होगा क्या? वही संविधान जो दूसरे राज्यों को अधिकार दिया हुआ है, वही संविधान हमें भी अधिकार देगा झारखंडी होने का, हमें भी अपना अधिकार मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? और ये मिलेगा जब हम लोग और मजबूत होंगे, और ये तब मजबूत होगा जब हम लोग घर घर जाएंगे और घर घर एक एक लोग को समझा पाएंगे, हमारे यहाँ कोयला, हमारे यहाँ बालू, हमारे यहाँ खनिज संपदा, जंगल जमीन सब कुछ भरपूर है, फिर भी हम लूटे जा रहे हैं, और हमको कौन लूट रहा है? सब बाहरी लोग लूट रहे हैं, और हमारा भाई बंधु लोग कहाँ जाएगा? चेन्नई काम करने, मुंबई काम करने, दिल्ली काम करने, और वहां से प्रताड़ित होकर आएगा। क्या हमारे पास रोजगार नहीं है? बहुत सारे रोजगार है, लेकिन उस पे दूसरे लोग फन मार कर बैठे हुए हैं, और उससे हमको अधिकार पाना है तो हमें और संगठन को मजबूत करना होगा। अभी हमारे बिरजू दा ने कहा कि लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। आप लोग का क्या मोटो है? क्रांतिकारी लोगों का क्या मोटो है? जेबीकेएसएस का क्या मोटो है? तो हम आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि आज से जब भी आप घर जाइए, जिनको भी आप जोड़ना चाहते हैं, माता बहनों भाई बंधुओं को, तो उनसे बोलिए कि हम लोग का मोटो है अधिकार दिलाना, झारखंडियों को अधिकार दिलाना। हम लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, हम लड़ रहे हैं आपके अधिकार के लिए, हम लड़ रहे हैं आपके बच्चों के अधिकार के लिए, हम लड़ रहे हैं आने वाले पीढ़ियों के लिए, उन पीढ़ियों के लिए जो अभी है और जो आएगी। झारखंडी हमेशा याद रखेगी उन क्रांतिकारियों के जो इसमें योगदान देगा। हम लोग योगदान दे रहे हैं, क्या आप हमारे साथ हैं? हमारे साथ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आज रखें, भविष्य उज्जवल होगा, नहीं तो जिस तरह से हम लोग लूटते हुए आ रहे हैं और अभी तक दयनीय स्थिति झारखंड की रही है, आने वाले दिन में हम लोग के पीढ़ी का स्थिति और दयनीय होगा, हम लोग और शोषित होंगे और पीड़ित होंगे, और हमारा अधिकार कहीं नहीं मिलेगा, हम अधिकार से वंचित रहेंगे। उन सभी अधिकारों को पाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और अगर इस साल एक साल के अंदर हम लोग वो अधिकार नहीं पाए तो आने वाला दिन में शायद हम लोग वो अधिकार नहीं पा पाएंगे। इसके लिए घर घर से सबको निकालिए, हर खतियानधारी के पास जाइए, बूढ़ा बुजुर्ग युवा महिलाएं सबको जोड़िए और उनको बोलिए कि आप हमें समय दो हम आपको अधिकार दिलाएंगे, झारखंडी अधिकार दिलाएंगे, एक ही नारा के साथ। क्या? आप हमें समय दो हम आपको अधिकार देंगे, झारखंडी अधिकार। कैसा अधिकार? 1932 का अधिकार। कैसा अधिकार? आपके वन खनिज संपदा पे आपके अधिकार को हम सुनिश्चित करेंगे, और ये तब हो पाएगा जब हम सब कोई मिलकर एक बार जोर लगाएंगे। तो इसी मुद्दे के साथ हम सभी क्रांतिकारी भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं, चाहे जिस प्रखंड से आए हो, जिस जिले से आए हो, जिस गांव से आए हो, जाएं और आज से ही लग जाएं अपने क्रांतिकारियों भाइयों के साथ और लोगों को जगाएं और इतना जागरूकता फैला दें कि उन लोगों को पहले विश्वास दिलाएं कि हम क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। उनके पास अपने तथ्यों को अच्छी तरीके से रखें, क्योंकि सरकार हमेशा बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। अभी भी 60 और 40 का जो शिक्षा नीति लाई है, ये 60 और 40 नहीं समझिएगा, ये नहीं समझिएगा 60% झारखंडियों के लिए आरक्षण किया, वो 100% बाहरियों के लिए ही है, क्योंकि ये जो 60% आरक्षण दिया है ना, वो 1950
85 के अधिकार पे चल रहा है, तो 1985 तो हर बाहरी लगभग आकर के बना लेगा। लगभग लगभग जितने बाहरी लोग यहाँ रहते हैं उसमें 90% लोगों के पास 1985 का दिख जाएगा, क्योंकि जब तक खतियान आधारित नीति नहीं बनेगा ये लोग 85 तो आराम से बना लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक भी बिका हुआ है, कुछ पैसे दे करके ये लोग अपना बना लेंगे प्रूफ कि हम लोग 85 से रह रहे हैं। तो उसमें एसटी एससी ओबीसी का भी अधिकार वो लोग मार रहे हैं, और उन लोग पास एक एक नहीं दो दो वोटर कार्ड है। तो हम लोग को कहीं से सुनिश्चित नहीं होगा, अगर 60 और 40 वाला भी फॉर्मूला लागू हो जाता है तो भी हम लोग को यही स्थिति रहेगा जो पहले था, क्योंकि पहले भी यही स्थिति था और अब भी यही स्थिति है। तो इस सरकार ने जो नारा दिया था कि हम लागू करेंगे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और 5 लाख रोजगार देंगे, ये सब हवा में टाटा फिश हो गया। 4 साल गुजर गया, 1 साल गुजरने में देरी नहीं है, उसके बाद भी जो सरकार आएगी वो भी सरकार यही करेगा, कोई भी सरकार आपके साथ खड़ा होने नहीं जा रहे। इसलिए सबसे पहले अपना मजबूत कीजिए, अपने क्रांतिकारी भाइयों को मजबूत कीजिए, अपने झारखंडी खतियानधारियों को एकजुट कीजिए और एक बिगुल बजाइए। हर प्रखंड हर जिले में अब एक जोरदार आंदोलन होगा, इसकी एक अगला बैठक में सुनिश्चित करने का हम आह्वान करते हैं झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति से। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।